दिशाहीन देश की व्यथा। मेरा मन बदल रहा है और देश पिछड़ रहा है। दिमाग के अभाव में मन और दिल कर रहा है पूर्व योजनाओं में बदलाव। दिमाग के अभाव में मन और दिल कर रहा है पूर्व योजनाओं में बदलाव। मन और दिल ने किया देश की प्राथमिकताओं में बदलाव। 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर नेतृत्वकर्ता ने प्राथमिकताओं को तय करने के लिए जनता से मांगे सुझाव। जनता से मांगे सुझाव। क्या देश की जनता प्राथमिकताओं को तय करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत है? क्या देश की जनता बनाएगी 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर प्राथमिकताओं और दिशा निर्देश जैसे प्रक्रिया को अपनाएगी? प्राथमिकताओं और दिशाहीन देश को दिशा देने वाला भाषण तैयार करेगी? क्या देश की जनता बनाएगी 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर प्राथमिकताओं और दिशाहीन देश को दिशा देने वाला भाषण? क्यों और कैसे मेरा देश बदला जा रहा है तथा क्यों पीछे धकेला जा रहा है? इस देश में जब देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति की नहीं होती सुनवाई, तब जनता की आवाज़ को प्राथमिकता कैसे दी जा सकेगी? देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत को ही रद्दी की टोकरी में डाला जा चुका है। विश्व के सर्वाधिक पर्यावरण प्रदूषित और आपदा प्रभावित जिले नीमच का कलेक्टर 3 माह से विचाराधीन क्यों है शिकायत कलेक्टर कार्यालय में? 2016 के स्वतंत्रता दिवस पर नेतृत्वकर्ता प्राथमिकताओं को और देश को दिशा देने में क्यों विवश हो गया? वो खुद क्यों नहीं प्राथमिकता तय कर सकता है और दिशा निर्देश दे सकता है? ऐसी क्या मजबूरी? कृषि प्रधान विकासशील राष्ट्र भारत में 80% क्षेत्रफल ग्रामीण आबादी का, देश का बजट 80% ग्रामीण विकास का, 80% नीतियां एवं योजनाएं ग्रामीण विकास की, फिर एकाएक देश में 100 स्मार्ट शहर बसाने की योजना क्यों? ग्रामीण विकास से शहरी विकास क्यों? बात आती है दिशाहीन देश को दिशा देने की। आज देश का नेतृत्वकर्ता खुद विवश है कि वो स्वतंत्रता दिवस 2016 पर देश को दिशा देने वाला भाषण तैयार नहीं कर पा रहा है, और वो जनता से भाषण की मांग कर रहा है कि जनता भाषण तैयार करके दे और वो वाचन करेंगे। कितनी विवशता है! ये स्थिति है देश के नेतृत्वकर्ता की। क्या दिमाग के अभाव में मन और दिल कर रहा है पूर्व योजना में बदलाव? दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसी विवशता आ रही है जिससे कि आज जनता के समक्ष देश के नेतृत्वकर्ता को मजबूरवश खड़ा होना पड़ रहा है? वो जनता से सुझाव मांग रहा है, हर हर प्रकार के सुझाव मांगे जा रहे हैं। कितनी विडंबना है कि देश के स्वतंत्रता दिवस पर भाषण भी अब जनता तैयार करे। इसको क्या कहा जाए? आज जिस तरीके से देश के स्वतंत्रता दिवस की बात की जा रही है, 2016 का स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त जो बनाया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री क्यों विवश हो गए? उनकी मन की और दिल की बात क्यों नहीं साकार हो रही है? क्या कारण है कि ऐसा? क्या उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया? उनके योजनाकार दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या योजना विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वो योजनाओं में दिमाग नहीं लगा रहे हैं? मन और दिल से योजनाएं बना रहे हैं, उसका परिणाम है कि आज सफलता नहीं मिल रही है, अव्यवहारिक योजनाएं बाहर आ रही हैं, और इन सब के लिए दोषी कौन? और अब स्थिति ये है कि तीसरा इनके कार्यकाल का जो तीसरा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसमें वो जनता से भाषण तैयार कराने की बात कर रहे हैं। तो फिर जनता को कैसे अधिकार दिए जाएंगे? क्या जनता को अधिकार है कि वो देश को दिशा दें? फिर नेतृत्वकर्ता क्यों? फिर इनका चुनाव क्यों? जनप्रतिनिधियों का चुनाव क्यों? ये एक प्रश्न आ रहा है भारतीय लोकतंत्र में। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में आज सीधे जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, और ये एक विचित्र स्थिति है। जब सांसद ही एक नहीं है तो जनता की बात कैसे की जा सकती है? और ये विकास को थामने की बात की जा रही है, इससे विकास थमेगा, देश दिशाहीन होगा।